के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। 11वें परिसर में हुए एएसआई सर्वे रिपोर्ट मामले में टली सुनवाई, अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार की वजह से 3 जनवरी को होगी सुनवाई। पंचकोशी मार्ग से शिवपुर तालाब को भू माफियाओं द्वारा किए जाने वाले कब्जे को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। बीएचयू भारत कला भवन संग्रहालय द्वारा कला एवं संग्रहालय के संग्रह को समझना विशेष राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। और नमामि गंगे के साथ काशी तमिल संगम के स्थापनों ने गंगा सफाई में बताया हाथ। और अब समाचार विस्तार से। अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण ज्ञानवापी प्रकरण में एएसआई सर्वे रिपोर्ट के मामले की सुनवाई टली। वाराणसी की ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में एएसआई द्वारा सर्वे की रिपोर्ट दाखिल किए जाने के पश्चात इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी की मांग पर गुरुवार को जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की इस मांग पर वादी पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताते हुए अदालत से कहा है कि जब सारी कार्यवाही पब्लिक में आ जाती है, इसके अलावा अन्य कई उदाहरण हैं जिसकी जानकारी सार्वजनिक होती है, तो ऐसे में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने का कोई कारण नहीं है, लिहाजा इस आपत्ति को खारिज किया जाए। इस पर अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 3 जनवरी की तारीख सुनवाई के लिए प्रदान की है। आज जनपद न्यायाधीश वाराणसी की कोर्ट में ज्ञानवापी प्रकरण का केस लगा हुआ था, जिसमें एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट 18 दिसंबर को जमा कर दी गई थी और उस रिपोर्ट को आज सार्वजनिक करना था, सारे पक्षकारों को उपलब्ध कराना था, लेकिन 18 को मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की थी कि यह किसी प्रकार से पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। और उसी समय हमारे तरफ से यानी हिंदू पक्षकारों के तरफ से ये प्रार्थना पत्र दिया गया था कि श्रीमान जी 10 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और जिसमें ये कहीं भी नहीं कहा गया कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए। वो उस प्रार्थना पत्र को देखते हुए दोनों का विचारण करते हुए न्यायाधीश महोदय ने आज की तिथि नियत की थी कि सारे पक्षों को इसकी कॉपी उपलब्ध कराएंगे, परंतु मुस्लिम पक्ष आज कार्य बहिष्कार करने के नाते अधिवक्ताओं का वाराणसी में चुनाव था उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा अवसर पा गए और वो कार्य से विरत होने का माननीय न्यायाधीश महोदय को कहे कि हम किसी प्रकार से आज की कार्रवाई में सहभागी नहीं होंगे। तो इन सब को सुनते हुए न्यायाधीश महोदय ने 3 जनवरी का तिथि नियत की है। प्रार्थना पत्र डिस्पोजल होना था, जो एप्लीकेशन अंजुमन इंतजामिया द्वारा दाखिल की गई थी कि रिपोर्ट को सील कवर में रखा जाए, पब्लिक डोमेन में न दिया जाए और अगर कोई लेता है तो अंडरटेकिंग लेकर ले, जो पिटिशनर्स हैं, तो उस पर हमारी आपत्ति आज दाखिल की गई थी वादिनी संख्या 1 राकेश सिंह की तरफ से। सुनवाई होनी थी आज, लेकिन चूंकि कार्य बहिष्कार था अधिवक्ताओं का, आज बार की तरफ से प्रस्ताव पारित था, कल बनारस बार का इलेक्शन है, इस वजह से अंजुमन इंतजामिया ने एक डिले टैक्टिक्स अपनाया। ऑनरेबल कोर्ट सुनने को तैयार थी, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा अगर बोथ द पार्टीज अवेलेबल हैं तो हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन अंजुमन इंतजामिया ने कहा कि हम हड़ताल की वजह से हम आज नहीं कार्रवाई करेंगे, हम आज काम नहीं करेंगे, इस वजह से सुनवाई नहीं हो पाई और 3 जनवरी की डेट नियत हो गई। नगर निगम द्वारा पूर्व काशी नरेश स्वर्गीय विभूति नारायण सिंह जी की प्रतिमा लगवाए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए उनकी पुत्री कृष्ण प्रिया ने प्रेस वार्ता कर इस पहल को सराहा। नगर निगम की ओर से पूर्व काशी नरेश स्वर्गीय विभूति नारायण सिंह की प्रतिमा लगवाई जाएगी, इससे काशीराज परिवार के साथ ही काशीवासियों में भी उत्साह है। पूर्व काशीराज की पुत्री कृष्ण प्रिया ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर नगर निगम की पहल को सराहा और कहा कि नगर निगम वासी ने काशी के गौरव को सम्मान दिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम को कॉरिडोर नाम देने पर भी आपत्ति जताई। राजकुमारी कृष्णा प्रिया ने आगे कहा कि डॉक्टर विभूति नारायण सिंह को काशी की जनता साक्षात महादेव का स्वरूप मानती थी, उनके अभिवादन में हर हर महादेव का उद्घोष होता था। काशी नरेश स्वर्गीय विभूति नारायण सिंह जीवन भर काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलाधिपति रहे, उसके साथ काशी विश्वनाथ परिषद के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने कहा कि सरकार से यह भी कहना चाहूँ कि जहाँ लोगों से उनकी मुलाकात होती थी वहाँ पर, यानी हाथी पर बैठे हुए मूर्ति मैदागिन चौराहे पर लगाई जाए, वहाँ बहुत बड़ी जगह है, हम बहुत दिन से वहाँ पर चाहते थे कि उनकी मूर्ति लगे। काशी विश्वनाथ धाम को कॉरिडोर नाम देने पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर मनोरंजन का साधन नहीं है, यह तो आध्यात्मिक स्थान है, उसका कॉरिडोर नाम देना सरासर गलत है, मर्यादा के विरुद्ध है। काशी विश्वनाथ मंदिर आध्यात्मिकता केंद्र है, उसे आध्यात्मिक ही रहने दें। अग्रणीय प्रयास है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने देर आया दुरुस्त आया, देर से ही सही सोचा तो सही कि काशी का गौरव वास्तविक में किसको सम्मान देना चाहिए, इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा
अब उसको सही दिशा दे के सही काम करावें, हम यही उनसे अपेक्षा करते हैं। इसकी पहल डीसीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने किया, तो उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, चाहेंगे कि जनता के मन के अनुरूप, जहाँ जनता चाहती थी, जहाँ जनता का उनका हमेशा सामना होता था, उसी स्थान पर वैसे ही हाथी पर बैठे हुए उनका किया जाए। आप कहाँ चाहती, कहाँ ये मूर्ति स्थापित हो? मैं दागिन चौराहे पे, क्योंकि उसका चतुष्पथ उनके नाम पर बहुत दिन से हम लोगों ने कर दिया है नगर निगम ने, तो फिर वहीं पर मूर्ति की भी स्थापना हो। राजीव गांधी की भी मूर्ति लगी हुई है, क्या होता है उससे? लगी है तो है, लगी, वो भी एक महापुरुष थे, लगी है। किसी को मूर्ति को हटाना नहीं है, स्थान बहुत बड़ा है, एक स्थान पर लग सकता है, वो स्थान चबूतरा है, वहाँ पर लग सकता है, हमको हाथी पर बैठा के बनाना है तो उसमें कोई फर्क अंतर तो आएगा नहीं। कॉरिडोर इसलिए कह रहे थे कि काशी विश्वनाथ मंदिर मनोरंजन का साधन थोड़ी है, तो आध्यात्मिक स्थान है, उसका कॉरिडोर नाम देना सरासर गलत है, उनके मर्यादा के विरुद्ध है। वो थोड़ी है, वो मनोरंजन का साधन नहीं है, वो व्यापार की जगह नहीं है। व्यापार के जगह में आप व्यापार करें, धन भी कमाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसको कॉरिडोर बना के कमाएं, आध्यात्मिक प्लेस बनाए, आध्यात्मिकता के साथ उसको करें। काशी बहुत बड़ी है, पैसा कमाने के लिए जगह जगह टूरिस्ट इतने आ रहे हैं कि आप मंदिर से ही पैसा कमाएं, ये अच्छा नहीं लगता। अब काशी की जनता कैसे सहती है पता नहीं। विश्वनाथ धाम नाम दिया गया, धाम नाम देके कॉरिडोर भी तो बोल रहे हैं ना, फिर धाम का मतलब धाम ही रहने दीजिए, फिर उसको धाम भी तो नहीं है। शिवपुर तालाब को पाट कर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, पार्षद दल के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को शिवपुर तालाब को भूमाफियाओं द्वारा पाट कर कब्जा किए जाने के संबंध विस्तार से अवगत कराते हुए संलग्न दस्तावेजों के साथ उन्हें सामूहिक हस्ताक्षर उक्त ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर नेताओं ने कहा कि काशी पंचकोशी परिक्रमा के चौथे पड़ाव के रूप में विख्यात शिवपुर पंचकोशी मार्ग स्थित ऐतिहासिक महत्व के धार्मिक तालाब, जिसका राज्य नंबर 69 मौजा परगना शिवपुर तहसील सदर वाराणसी है, इस तालाब पर जहां माता जीवतिया का पूजन प्रसिद्ध प्याला का मेला लगता था, वहीं पंचकोशी परिक्रमा करने वाले यात्री खाना बनाकर वहीं विश्राम करके पुनः अपने अगले पड़ाव को प्रस्थान करते थे। यह तालाब सैकड़ों पेड़ों से आच्छादित था, तालाब में तमाम जलचर जीव जंतु थे, पशु पक्षियों का खरौंदा हुआ करता था। आसपास के पुराने लोग बताते हैं कि कभी यहाँ साइबेरियन पक्षी भी आते थे। वर्ष पर्यंत यह तालाब जल से भरा रहता था। ऐसे जीवंत सार्वजनिक तालाब को पहले अवैध कब्जेदारों ने धारा 229B कराकर भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अपने नाम कपटपूर्वक दर्ज कराकर जब उसे मिट्टी डालकर पाटा जाने लगा तो आसपास के क्षेत्रीय नागरिकों ने इसका पुरजोर विरोध किया। यह मामला सड़क से लेकर नगर निगम सदन तक उठाया गया। उन आंदोलन के तहत कई बार लोगों ने धरना प्रदर्शन किया एवं मामला जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया गया, परंतु भूमाफियाओं ने पुनः भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से नगर निगम वाराणसी द्वारा तालाब की भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करा लिया एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा भू विन्यास मानचित्र भी स्वीकृत कराने में वह सफल हो गए। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया गया, जहां याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर वाराणसी मंडल के तत्कालीन मंडल आयुक्त द्वारा गठित जिलाधिकारी वाराणसी, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण वाराणसी, नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व की 4 सदस्यीय समिति से मौके एवं अभिलेखों की जाँच कराई गई। जाँच के बाद समिति ने अपनी जाँच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सन 1291 फसली यानी सन 1883-84 में गाटा संख्या 69 तालाब के रूप में दर्ज था। इससे प्रतीत होता है कि उक्त गाटे पर उपयुक्त व्यक्तियों ने 23-1-1990 को प्रश्नगत आदेश पारित होने के पूर्व अभिलेखों में अपना नाम कपटपूर्वक दर्ज करा लिया है, अतः इसे निरस्त कर पुनः तालाब के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। जहाँ समिति ने आगे कहा कि प्रश्नगत गाटा संख्या तालाब की भूमि है, अतः इसका स्वरूप किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तत्कालीन सहायक कलेक्ट्रेट प्रथम श्रेणी अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय वाराणसी द्वारा 23-1-1990 को पारित इस निर्णय पर उनके क्षेत्राधिकार के वह परे है। यह जांच रिपोर्ट दिनांक 26/5/2006 की है, जिसे सभी अधिकारियों से हस्ताक्षरित होकर मंडल आयुक्त को प्रेषित किया गया था। इसके बाद नगर निगम द्वारा अपने राजस्व अभिलेख में तालाब दर्ज करने के पश्चात पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र को भी निरस्त कर दिया गया।
इस सार्वजनिक तालाब को पाट कर उसके स्वरूप को परिवर्तित करने वालों के खिलाफ तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमती वीणा के निर्देश पर मुख्य राजस्व अधिकारी वाराणसी की ओर से मेसर्स अलका कंस्ट्रक्शन खिलाफ एवं अन्य अवैध कब्जेदारों के खिलाफ शिवपुर थाना में दिनांक 20 अप्रैल 2008 को FIR भी दर्ज कराया गया। सन 2002 से अनवरत जारी संघर्ष की उपलब्धि रही है कि तत्कालीन मंडलायुक्त नितिन रमेश कोकण के निर्देश पर पाटे गए तालाब पर दो दो JCB लगाकर खुदाई का कार्य प्रारंभ कराया गया, परंतु राजनीतिक हस्तक्षेप से खुदाई का कार्य अचानक बीच में ही रोक दिया गया। यह तालाब नगर निगम वाराणसी के 63 तालाबों की सूची में 30वें नंबर पर अंकित है। नगर निगम के संपत्ति रजिस्टर में भी यह तालाब दर्ज है, साथ ही यह तालाब बंदोबस्त के नक्शे में भी अंकित है। जन विरोध के फलस्वरूप अवैध कब्जेदारों ने इस तालाब को मिट्टी से पाट तो अवश्य दिया है, परंतु उस पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। इस सार्वजनिक तालाब को भूमाफियाओं ने भारी लाभ कमाने के जिस नापाक इरादे से पाट कर उस पर कब्जा करने का मंसूबा पाल रखा है, उसे कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। लगभग 22 वर्षों से संघर्षरत पूर्व पार्षद डॉक्टर जितेंद्र सेठ ने कहा कि पौराणिक धार्मिक महत्व के उक्त तालाब को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने के साथ ही पुनः एक खूबसूरत जलाशय का निर्माण रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडी की मांग की गई है। ज्ञापन पर नगर आयुक्त ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए अतिशीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमने नगर निगम के संपत्ति को चिन्हित करके नगर आयुक्त महोदय को सौंपा है, पत्रावलिया सौंपी है और उनसे मांग की है कि तत्काल प्रभाव से भूमाफियाओं के मनोबल को तोड़ने के लिए वहां पे नगर निगम अपने कब्जे में ले और उसका सुंदरीकरण कराए, ताकि वो पौराणिक कुंड है उसका पचकोसी यात्रा में भी उसका उल्लेख है। भारत कला भवन संग्रहालय द्वारा कला एवं संग्रहालय के संग्रह को समझना नामक विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। संग्रहालय मानव जीवन के विरासत एवं धरोहरों को प्रदर्शित एवं संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। संग्रहालय के द्वारा हम सभी अतीत के पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से ज्ञान को समृद्ध करते हैं। इसी क्रम में भारत कला भवन संग्रहालय द्वारा कला एवं संग्रहालय के संग्रह को समझना नामक विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला 18 दिसंबर से प्रारंभ होकर 30 दिसंबर 2023 तक चलेगा। इस कार्यशाला की परिकल्पना उपनिदेशक भारत कला भवन डॉ. जसमिंदर कौर द्वारा किया गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को डॉ. अनामिका पाठक से बात करने पर उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय की रिटायर्ड क्यूरेटर हूँ। वहाँ मैं 39 साल राष्ट्रीय संग्रहालय को दिया। वहाँ मैंने विभिन्न विषयों पर अनेकों प्रदर्शनियाँ लगाई हैं और वही सब अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन आई हूँ। आगे बात करने पर उन्होंने बताया कि आम प्रदर्शनी और म्यूजियम की प्रदर्शनी में बहुत अंतर होता है। म्यूजियम की प्रदर्शनी प्रोफेशनली लगाई जाती है और पब्लिक के सामने रखी जाती है, और इस उद्देश्य को किस प्रोफेशनल ढंग से करना है अपने 39 साल के अनुभव को जो लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उनसे साझा कर रही हूँ। वहीं डॉक्टर जसविंदर कौर से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में किसी भी विभाग का कोई भी प्रतिभाग कर सकता है। इसमें 32 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि एक प्रदर्शनी को प्रदर्शित करने में किन किन बातों का ध्यान रखना है। कला एवं संग्रहालय के संग्रह को समझना नामक राष्ट्रीय कार्यशाला में कुल 32 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जो भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। इस कार्यशाला की मुख्य वक्ता डॉक्टर अनामिका पाठक, पूर्व संग्रहाध्यक्ष सज्जा कला एवं वसन विभाग राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है। इस 12 दिवसीय कार्यशाला में मुख्य वक्ता डॉक्टर अनामिका पाठक द्वारा संग्रहालय के अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। आज इस कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर अनामिका पाठक, उपनिदेशक भारत कला भवन डॉक्टर जसविंदर कौर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्र छात्राएं तथा भारत कला भवन के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित थे। ये वर्कशॉप जो डिज़ाइन किया है 2 हफ्ते का है, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एक आस्पेक्ट है कि मतलब जब तक आप कला को समझेंगे नहीं उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, और दूसरा जो उसका कॉम्पोनेंट है वो म्यूज़ियम क्यूरेशन है। जब हम म्यूज़ियम क्यूरेशन की बात करते हैं तो उसमें आपको विषय का ज्ञान और उस प्रदर्शनी को लगाने की जितनी विधाएं हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो यही 2 मेन उद्देश्य हैं। और पहले हफ्ते में हम लोगों ने थ्योरी किया है, जिसमें छोटे छोटे असाइनमेंट्स बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो सोचना शुरू करें इस विधा के बारे में, इस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में, और एक दूसरे सप्ताह में हम उनसे प्रैक्टिकली एग्जीबिशन लगवाएंगे। पिछले 3 दिन से हमारे यहाँ 15 दिवसीय एक कार्यशाला चल रही है, जो कि भारत कला भवन संग्रहालय में ही चल रही है BHU के अंदर, और जिसमें किस ज़्यादातर जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन चाहे वो म्यूज़ियम की फील्ड से जुड़े हों चाहे ना हों, कोई भी इसमें प्रतिभागी कर सकता था। तो कुल 32 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, और जिसमें हम म्यूज़ियम में किस तरह से एक शो को क्यूरेट किया जाता है
उसके पीछे का एक प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है उसे एग्जीबिशन करने को, और कौन से एलिमेंट्स आप ध्यान में रखेंगे एक एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ करने में, उसके लिए उस विषय पे ये कार्यशाला चल रही है जो कि प्रयोगात्मक और थियोरेटिकल दोनों लेवल पे है। और मेन ये एक रोजपरक वर्कशॉप है जिसको सीखने के बाद बच्चे अपना खुद का कुछ का शो क्रिएट कर सकते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो एक तरह से ये उनके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदय प्रताप कॉलेज के बीएड विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर के 4th दिन पाक कला का प्रदर्शन करते हुए विद्यार्थियों ने भोजन बनाया। गुरुवार को उदय प्रताप कॉलेज के बीएड विभाग के सत्र 2022-24 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर के 4th दिन पाक कला का प्रदर्शन करते हुए विद्यार्थियों द्वारा अतिथियों के लिए भोजन बनाया गया। विद्यार्थी बहुत ही विषम परिस्थितियों में अत्यंत कम संसाधनों में भोजन बनाते हैं और यही इस स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कि कम से कम संसाधन में विषम परिस्थितियों में भी एक दूसरे का सहयोग करके विद्यार्थी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मुख्य अतिथि कॉलेज के प्राचार्य ने विद्यार्थियों को आशीर्वचन प्रदान किया तथा उनसे कहा कि स्काउट गाइड प्रशिक्षण उन्हें सहयोग, सहकारिता, समाज सेवा, विनम्रता तथा विषम परिस्थितियों से जूझने का कौशल सिखाता है। यह प्रशिक्षण उनका शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करते हुए राष्ट्र तथा समाज सेवा के लिए एक सजग प्रहरी तैयार करता है। इस प्रशिक्षण में ध्वज शिष्टाचार, गांठ बांधना, प्राथमिक चिकित्सा आदि प्रशिक्षण दिया गया। स्वागत उद्बोधन प्रोफेसर गरिमा सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन शिविर संयोजिका प्रोफेसर रेणु सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर रमेश धर द्विवेदी, प्रोफेसर नीलिमा सिंह, प्रोफेसर रश्मि सिंह, प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी, डॉक्टर संजय स्वर्णकार, श्री कृष्ण कुमार भारती, डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार तथा स्काउट ट्रेनर श्री विष्णु विश्वकर्मा तथा गाइड श्रीमती शकीला उपस्थित। कैंप फायर में भोजन का प्रोग्राम था, ये 4 दिन से चल रहा है शिविर। इसमें विष्णु जी हमारे ट्रेनर हैं और शकीला मैडम गाइड की ट्रेनर हैं। ये लोग तमाम कार्यक्रम जो स्काउट गाइड के होते हैं, क्या क्या प्रशिक्षण में दिया गया बच्चों? इसमें प्राथमिक चिकित्सा, तमाम तरह के पट्टियाँ बांधना, टेंट लगाना, न्यूनतम परिस्थितियों में अच्छे से अच्छा खाना बनाने का अभ्यास, राष्ट्र सेवा, आपातकालीन चिकित्सा आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। बीएड के 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बच्चे विपरीत परिस्थितियों में, आपदा की स्थितियों में सीमित संसाधन से किस प्रकार से जीवन जी सकते हैं, जैसे अगर कभी आपात स्थिति हो तो प्रकृति के सानिध्य में, कभी किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं जहां पर संसाधन बहुत लिमिटेड हैं, वहां वो व्यवस्था अपनी कर सकते हैं। ये बच्चे जो है फर्स्ट एड स्ट्रेचर बनाना, इसके अलावा इन्होंने जो है गांठ बनाना और भारत स्काउट गाइड के इतिहास के विषय में बहुत सारी ऐसी जानकारी इस 5 दिवसीय शिविर में दी जाती है, सीमित समय में दी जाती है, जो एक लंबे अंतराल में विभिन्न कोर्सों में पढ़ाया जाता है। और यह एक अनिवार्य जो है प्रशिक्षण है बीएड के अंतर्गत, जिसको किए बिना बीएड की डिग्री अधूरी होती है। काशी तमिल संगम के अवसर पर तमिलनाडु से आए आस्थावानों ने नमामि गंगे के साथ मिलकर गंगा घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया। दक्षिण से उत्तर के हो रहे अद्भुत संगम काशी तमिल संगम के अवसर पर तमिलनाडु से आए आस्थावानों ने केदार घाट पर गंगा स्नान के पश्चात नमामि गंगे के सदस्यों के साथ गंगा की आरती उतारकर सुख समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण की कामना की। काशी और तमिलनाडु के लोगों के बीच भावनात्मक और रचनात्मक संबंधों की प्रगाढ़ता हेतु माँ गंगा का पूजन किया। तमिल भाषी दक्षिण के मेहमानों ने नमामि गंगे के सदस्यों के साथ गंगा किनारे की सफाई में भी हाथ बटाया। गंगा तट पर इधर उधर बिखरे कचरे और पॉलिथीन को कूड़ेदान तक पहुंचाने में भी मदद की। तमिल भाषा में लाउडस्पीकर से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की।
राष्ट्रध्वज, तिरंगा और ओम लिखी पताका हाथों में लेकर सभी ने गंगा की स्वच्छता का संकल्प लिया। सबका साथ हो, गंगा साफ हो का गगनभेदी उद्घोष केदार घाट पर गूंज उठा। आरोग्य भारत की कामना से द्वादश ज्योतिर्लिंग एवं गंगाष्टकम का सामूहिक रूप से पाठ किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि पतित पावनी गंगा दक्षिण से उत्तर तक और पूर्व से पश्चिम तक भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। माँ गंगा की तरह काशी तमिल संगम ऐसा अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। यही प्रवाह है जो आज हमारे राष्ट्र की आत्मा को सींच रहा है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, महानगर सह संयोजक सीमा चौधरी, आशीष मौर्य, सरला चौबे, ध्रुव मेहता, तमिल मेहमान गोपाल कृष्णन, अपूर्वा शेलवी, लक्ष्मी तिन्नेवेली, पार्वती नेल्लाई, विशालाक्षी सिंदुरई सहित सैकड़ों की संख्या में नागरिक शामिल थे। इस काशी तमिल संगमम हेतु सबसे निवेदन करें और अपने मेहमानों को अपनी संस्कृति के बारे में निरंतर समझाएं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ते जाएं। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल का वार्षिकोत्सव विपची 2023 हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल पीली कोठी वाराणसी का विद्यालय वार्षिकोत्सव समारोह विपची 2023 हर्षोल्लास के साथ नागी नाटक मंडी में आयोजित हुआ, जिसमें विद्यालय की छात्र छात्राओं ने अपनी कला, रंगमंच, नृत्य एवं संगीत के माध्यम से दर्शकों के बीच अपने हुनर को दिखाकर खूब वाहवाही लूटी। वार्षिकोत्सव समारोह की शुरुआत पारंपरिक तरीके से दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नीलकंठ तिवारी व विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर जुनैद अहमद एवं कथक कलाकार विशाल कृष्ण ने विद्यालय के प्रबंधक सतीश चंद जायसवाल, निदेशिका बीना जायसवाल एवं गणमान्य उपस्थित जनों के साथ दीप प्रज्वलित कर समारोह की औपचारिक शुरुआत की। इसके बाद मंगलाचरण के रूप में गणेश वंदना की प्रस्तुति नृत्य के माध्यम से की गई। विद्यालय के सभी अभिभावक, अतिथि एवं विद्यालय परिवार के सदस्यों द्वारा विद्यालय का परिचय एक लघु नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत कर विद्यालय गीत से एक समा बांधी एवं एक एक करके सभी कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति से सबका मन अपनी तरफ आकर्षित कर लिया एवं तालियों की गड़गड़ाहट से अभिभावकों ने भी अपने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के चार हाउसों ने भी अपनी परिचयात्मक विवरण रंगारंग कार्यक्रमों के रूप में दिखाकर अनेकता में एकता का संदेश दिया। एक तरफ जहां देशभक्ति के रस से ओतप्रोत आर्मी डांस एवं किसान नृत्य ने लोगों को अशुपूरित करने पर बाध्य किया, वहीं दूसरी तरफ सास बहू के झगड़े वाली लघु नाटिका एवं भूत डांस ने सबको रोमांचित कर खूब ठहाके लगवाए। केजी सेक्शन के छोटे बच्चों ने तो अपनी कला नृत्य वाया स्कूल के माध्यम से प्रस्तुत कर लोगों का दिल जीत लिया एवं नारी शिक्षा, सोशल मीडिया के दुरुपयोग का परिणाम आदि लघु नाटिकाओं ने सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात कर समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया। चंद्रयान की सफलता एवं हरोत सेन राज्यों के अपने पारंपरिक नृत्य एवं ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन पूरे भारत का चित्र रंगमंच पर लाकर उकेर दिया। अभिभावक अपने नन्हे बच्चों को मंच पर थिरकता देख खूब आह्लादित हुए। विद्यालय के प्रबंधक सतीश चंद जायसवाल, निदेशिका बीना जायसवाल एवं विद्यालयी सदस्यों ने अतिथियों का उचित सम्मान कर उन सबका आशीर्वाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय रिपोर्ट डॉक्टर डी के पांडे ने प्रस्तुत कर विद्यालय की उपलब्धियों पर एक आईना सभी अभिभावकों को दिखाया एवं बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु श्वेता कॉन्वेंट स्कूल हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। विद्यालय के चार हाउस द्वारा किए गए कंपटीशन में विद्यालय की निदेशिका बीना जायसवाल ने सभी हाउस की सराहना करते हुए विनर एवं रनर को अवार्ड दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में रोहित जायसवाल, अखलाक अंसारी, तुफैल अंसारी, हाजी अखलाक अंसारी ने आकर विद्यालय की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम के समापन पर रजनी जायसवाल एवं मिस फरजाना ने संयुक्त रूप से धन्यवाद ज्ञापन किया एवं राष्ट्रगान के साथ वार्षिकोत्सव समारोह विपची 2023 के समापन की घोषणा की गई। बच्चों की जो प्रस्तुति रही वो मुझे बहुत पसंद आई है। कुछ आज के जमाने के ऊपर भी इन लोगों ने काफ़ी सारी प्रस्तुतिकरण किया है जो कि मुझे बड़ा पसंद आया। जिस प्रकार सोशल मीडिया में लोग सब परेशान हैं, साहब के सभी लोग, उस पर भी एक लघु नाटिका थी जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जितने छोटे छोटे बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ की हैं वो बहुत काबिल तारीफ हैं। और जिसने भी इस पूरे सिक्वेंस को कोरियोग्राफ किया उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ और पूरे स्कूल को ढेर सारा आशीर्वाद और हमारा तरफ से शुभकामनाएं। छत्तीसवीं कनिष्ठदेव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में विद्या भास्कर एकादश ने लालजी एकादश को हराया। विद्या भास्कर एकादश ने गुरुवार को आनंद चंदोला खेल महोत्सव के तहत वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 36वीं कनिष्ठदेव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में लालजी एकादश को 7 विकेट से पराजित किया। जनरल इंटर कॉलेज के मैदान पर पहले खेलते हुए लालजी एकादश ने 7.2 ओवर में 24 रन बनाया और ऑल आउट हो गई। कोई भी बल्लेबाज दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंच पाया। 5 बल्लेबाज शून्य पर आउट हुई। विद्या भास्कर एकादश की ओर से अभिषेक कुमार ने 4, राहुल सिंह ने 3 और सुभाष राय व अभिषेक सिंह ने 1-1 विकेट चटकाए। जवाब में खेलने उतरी विद्या भास्कर एकादश ने 6.2 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत हासिल किया।
अभिषेक सिंह ने 9, विनय सिंह ने नाबाद 7 रन बनाए। लालजी एकादश की ओर से चंद्रप्रकाश ने 2 और रविकर दुबे ने 1 विकेट लिया। विद्या भास्कर एकादश के अभिषेक कुमार को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। आरपी गुप्ता व अजय राय अंपायर व अजित कुमार कश्यप स्कोरर थे। शुक्रवार को 10 बजे से विद्या भास्कर एकादश और पराकर एकादश के बीच मैच खेला जाएगा। मैच से पहले आज के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अरविंद सिंह ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया। काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अति भारद्वाज और प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने सम्मानित अतिथियों का अंगवस्त्रम देकर स्वागत किया। पत्रकारों की जिंदगी मानसिक रूप से हमेशा व्यस्त रहती है और ऐसे में खेल की भावना के साथ जो ये खेल करीब 36वीं वार्षिक कनिष्ठ देव प्रतियोगिता जो हुई, इसमें पत्रकार एकजुट होकर के जो खेल वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और पत्रकारों का समागम रहता है। एक दूसरे से पुराने नए लोग सब मिलते जुलते रहते हैं और इस तरह के कार्यक्रम से एक संदेश जाता है और मेरी भी यही शुभकामनाएँ हैं, बधाई है पत्रकार काशी पत्रकार प्रेस क्लब को कि वे इस तरह के आयोजन करके पत्रकारों के एकजुटता का काम करते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सच के साथ।